दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी जो इंस्टाग्राम की आईडी होती है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसको परमानेंटली किस तरीके से हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो कोई भी कभी भी लॉगिन ना कर सके। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी कारणवश अपनी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर आप अपना परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम वाली ऐप को खोल लीजिए। आपकी जो आईडी है, अकाउंट है, वो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, राइट साइड में ये प्रोफाइल का आइकन होता है नीचे की तरफ, आपको इस पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे तो इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। राइट साइड में देखिए, ये 3 लाइन दिख रही है, आपको यहाँ पर टच कर देना है। कई बार क्या है, ये 3 लाइन आती नहीं है, तो यहाँ पर ये जो आपका यूज़र नेम होता है, इस पर एक बार आप ऐसा टच करके इस तरीके से करेंगे तो ये 3 लाइन आ जाएगी। तो ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं, इस 3 लाइन पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर 3 लाइन पर टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए अकाउंट सेंटर करके ये ऑप्शन है, आपको यहाँ पर टच कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट सेंटर पर टच करेंगे इस तरीके से आएगा, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है पर्सनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके से ऑप्शन निकल कर आएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो यहाँ पर आपको टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल के अंदर ही आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने मिलेगा, डीएक्टिवेशन और डिलीशन, तो आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे इस तरीके से देखिए, यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको टच करना है जो भी आपका अकाउंट है इस पर, इस तरीके से। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन निकल कर आएंगे। आप यहाँ से अपना जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करेंगे तो कुछ दिन के लिए आपका जो अकाउंट है वो इंस्टाग्राम पर दिखेगा नहीं, टेम्प्रेरी जाएगा, डीएक्टिवेट होगा। और अगर आप यहाँ से चाहते हैं परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना कि आपकी जो इंस्टाग्राम आईडी है, अकाउंट है, वो कोई दोबारा कभी भी उसको लॉगिन ना कर सके, कभी भी खोल ना सके, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन है डिलीट अकाउंट, तो आपको यहाँ पर टिक करना है अगर आप अपना अकाउंट परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये कंटिन्यू नीले कलर का बटन है, आपको यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर रीज़न पूछ रहा है क्या कारण है भाई, किस लिए आप डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लास्ट में देखिए ऑप्शन मिलता है समथिंग एल्स, तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, टिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए नीले कलर का कंटिन्यू का बटन है, आपको यहाँ पर टच कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे यहाँ पर आपसे आपकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसका पासवर्ड मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आपको आपकी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड नहीं पता है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वीडियो लगा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म होने पर लास्ट पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो आप में से अगर जो लोग हैं जिसको आपका पासवर्ड नहीं पता है आपकी इंस्टाग्राम आईडी का, तो वो लास्ट में वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड पता करोगे। तो यहाँ पर आप अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, जो भी पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम की आईडी है, उसका यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं, आपको लग रहा है गलत वगैरह हो गया, तो यहाँ पर आंख बनी है, इस पर टच करके आप अपना पासवर्ड शो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू बटन है, आपको कंटिन्यू करना है पासवर्ड डालने के बाद। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर देखिए कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, तो यहाँ पर आपको एक डेट दे दी जाएगी, 1 महीने का समय होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे में यहाँ पर 28 नवंबर करके कुछ आ रहा है, 28 नवंबर 2024। इससे पहले आप अगर अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है इसको दोबारा से लॉगिन कर लेंगे डिलीट होने के बाद, तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा। कम से कम आपको इतने समय तक आपका जो अकाउंट है, जो भी डेट मिलेगी,
एक महीने का समय लगता है। इस बीच आपको अकाउंट आपका लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ एक महीने आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। आप इतना प्रोसेस करेंगे और आपकी जो भी डेट मिलेगी इस डेट तक आपको लॉगिन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो डिलीट अकाउंट वाला बटन है आपको यहाँ पर टच कर देना है। मुझे यहाँ पर ये अकाउंट डिलीट नहीं करना है इसलिए मैं डिलीट नहीं करूँगा। सिर्फ आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट करना है पासवर्ड डालने के बाद, जैसा कि पहले पासवर्ड डाल दिया हमने और डिलीट अकाउंट का आ गया तो डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम का आईडी है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो बहुत ही सरल और आसान तरीके से परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, जिससे कि कोई भी दोबारा जो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको कभी भी लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से अपनी इंस्टाग्राम की आईडी को, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।